वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो आपका 10th क्लास का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे वन लेसन। सबसे पहले 1.1 जो आप लेसन देखेगा तो उसमें सिर्फ HCF के बारे में जिक्र किया गया है। HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो हम लोग तो नीचे क्लास में पढ़े हैं HCF का बहुत सारा तरीका, ठीक है। उसमें एक और आप तरीका पढ़े होंगे जिसको कहते हैं भाग विधि द्वारा HCF निकाले, यानी डिवीजन मेथड द्वारा, ये जरूर आप पढ़े होंगे। तो उसी भाग विधि को नीचे क्लास में तो ये सब मिला ही है। HCF निकालिए, HCF को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है, तो HCF निकालिए। अब उसी भाग विधि को क्लास 10th में एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। देखिए चीज वो नीचे का ही है, सेम है, कंडीशन एकदम सेम है, HCF आप लोगों को निकालने आता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उस HCF का नाम बदल दिया गया है और भाग विधि नहीं रखा गया है। वो विधि जो दिए हैं वो यूक्लिड महाराज ने दिया, यानी कि यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है और इन्होंने बोला है कि मेरे विधि द्वारा HCF निकालिए। और इनका विधि क्या है, तो भाग विधि द्वारा जो HCF हम लोग निकालते हैं उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। समझिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखिए हम लोग जब भाग सीखते हैं तो भाग सीखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 9 होता है और 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कितना हो जाएगा, 2 4 8, यानी 2 4 8 हो जाएगा, 1 बचेगा। यही डिवाइड का रूल होता है ना, और जो ये डिवाइड का रूल होता है, यूक्लिड ने बोला है कि इस जो भाग ये दे रहे हैं इसको एक हम नियम फॉर्मूला दे रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर सेट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं, यानी 2 और 4 को गुणा करते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं, तो हमारा बीच वाला जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंट बोलते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने भाषा में देखें तो हिंदी में भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं शेष, इतना चीज बोला जाता है। अब देखिए हम लोग ये शुरू में ही पढ़े हैं कि इसमें इसमें गुणा कीजिए और ये जोड़िए तो बीच वाला मिल जाता है, लेकिन यूक्लिड महाराज यहाँ पे सिर्फ क्लास 10th में इनका नाम रख दिया गया है। बोला गया है कि यूक्लिड महाराज का नियम लगाइए, माने ये गुणा वाला, यानी कि इसमें इसमें गुणा, यानी हम लोग क्या करते हैं डी बराबर, ये बीच को कहते हैं डी, यहाँ पे डिविडेंट बोलते हैं, डी बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट, अब प्लस में क्या देते हैं रिमाइंडर। इसी फॉर्मूला को हम लोग डी बराबर लिखते हैं डी क्यू प्लस आर, इतना लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ आपसे पूछा जाएगा तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर पूछ दिया जाए डिविडेंड कौन है तो डी ए भी है और डी ए भी है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बोला गया कि जब दोनों जगह डी है तो कुछ अलग नाम रखिए ताकि पता चले कि ये अलग है और ये अलग है। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा डिविडेंड बराबर डी बराबर कितना, तो कोई बच्चा बोलेगा 2 और कोई बोलेगा 9। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हटा के और एक छोटा सा नाम यहाँ ए तो दूसरी जगह रख दिया गया बी, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर निर्माण हो गया, ठीक है। और इस फॉर्मूला पर ये सेट कर दीजिएगा, मान लीजिए कि ये 4 यहाँ भर दीजिए 2, ये भर दीजिए 4, गुणा कीजिए 4 × 8 और 1 = 9, तो बीच वाला मिल जाएगा। इसी फॉर्मूला को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और भाग विधि द्वारा HCF निकाला जाता है तो यही लगता है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर है क्या, कुछ नहीं है, भाग करने की एक विधि है, भाग का जांच करने की एक विधि है, और इसको 2-4 बार अगर उपयोग कर दे रहे हैं तो यही नीचे वाला हो जाता है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आप समझिएगा कैसे, अगर हम बात करें इसको, हम बोले कि आप HCF निकालिए, फाइंड द HCF, यानी हमको HCF ज्ञात करना है यहाँ 28 और 13 का, इसमें दोनों का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 28 को अंदर रखेंगे और ये 13 को बाद में रखेंगे, 13 × 13 = 26, यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 26, घटाइएगा 2 होगा कट जाएगा, फिर इसको घेरते हैं, यही तो है HCF भाग विधि निकालने का। फिर ये 13 को उतारते हैं, फिर 2 × 6 = 12, 1 बचेगा कट जाएगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये जब तक पूरा नहीं कट जाए, खत्म नहीं हो जाए, 0 शेष नहीं बच जाए रिमाइंडर, तब तक हम लोग कटेंगे, और ये 2 बार में 2, ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। अब बताइए हमने कितना बार डिवाइड किया, 1 बार, ये 2 बार, और यहां पे हो जाएगा 3 बार हमने डिवाइड किया है। अब इस 3 बार को इसी फॉर्मूला पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे अगर हम सेट कर देते हैं तो देखिए पहला बार फॉर्मूला लगाए तब तक वो क्या रहा, लेमा रहा, यानी कि प्रमेयिका रहा। प्रमेयिका नाम याद नहीं रहेगा तो प्रेमिका याद कर लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। यूक्लिड की एक प्रेमिका थी जिसने क्या किया, ये दोनों ने मिलकर के विभाजन का एक रूल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको अभी बताया कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। अब बताइए इसमें तो ए है 28, तो यहां लिखिएगा ए के जगह पे 28, यहां बी क्या है, इसको बी बोलते हैं,
इसको ए बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसे आर बोलते हैं। यहाँ बी क्या है, बी यहाँ पे 30 और यहाँ पे आया है 2, अब प्लस में आर कितना है 2, ये एक बार सेट किए, पहला डिवाइड हो गया। दूसरा डिवाइड यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। दूसरा डिवाइड देखेंगे तो ये एक ये वाला डिवाइड है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये डिवाइड है, दो से डिवाइड किया गया है 13 में, तो 13 हो जाएगा ए, और उसके बाद से 2 हो जाएगा इनटू में 6, अब प्लस में क्या हो जाएगा, लास्ट में इसके लिए 1 बचा है। फिर अगर यहाँ देखें हम लोग तो इस डिवाइड का बात करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका बी यानी 1 और ये हो जाएगा आपका 2, अब प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमने क्या किया कि प्रमेय का ये रूल दिया गया, यूक्लिड ने एक रूल दिया जिसका नाम क्या है, प्रमेय का है, ये वाला प्रमेय एक दिए हैं, ठीक है, और इसका हमने 3 बार इस्तेमाल किया। तो किसी चीज को बार बार अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार इस्तेमाल किएगा तो इसी तीनों को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रमेय क्या है, और ये क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हो कि आप इसको समझ रहे होंगे। ऐसे ही हम लोग सिस्टमैटिक तरीका से अब लाइन बाय लाइन यूक्लिड डिवाइड यानी कि यूक्लिड विभाजन यहाँ पे प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके HCF निकालिए, फाइंड द HCF ऑफ यूजिंग यूक्लिड डिवाइजन सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यहाँ आपको वही हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि 28 और 13 का किसका यूज किया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम क्या निकले हैं, HCF। इसका HCF कितना आया है, 1। ये जो लास्ट में बचता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं HCF। तो हम लोग चलते हैं अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखने। तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिएगा गौर से इसको समझिए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, अगर आपको भाग आता है डिवाइड आता है तो समझिए कि 1.1 आपका ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ लिखा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, इस सबका HCF निकालना है। और आपको एक चीज़ हम बताए थे कि कभी भी HCF निकाला जाता है और वहाँ पे विभाजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, तब तक भाग देते रहिए जब तक कि आपका शेष यानी कि रिमाइंडर नीचे का 0 नहीं आ जाए। यानी आपको बताए थे हम कि जब ये मान लीजिए कि आप भाग दे रहे हैं 2 से 2 3 6 यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। फिर ऐसे कीजिएगा 2 लिखिएगा उतारिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। अगर आपका शेष यहाँ पे कुछ नहीं है 0 है तब समझिएगा कि आप अब क्या करें, HCF आपका ये हो जाता है 1 आपका क्या है HCF। इधर का HCF नहीं होता है, इधर का होता है। इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे इसका। कभी भी बड़ा वाला यानी कि बड़ा वाला अंदर रहेगा छोटा वाला बाहर रहेगा तभी तो डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका यूज करना है। बोल रहा है कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल रहे हैं। 225 बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर रहेगा और ये हो जाएगा 135। डिवाइड कीजिए और तब तक डिवाइड करते रहिएगा जब तक कि पूरा से पूरा पूरा 0 नहीं आ जाए, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। एक बार में कटाइएगा 135, ये हो जाएगा 0, ये 9 बचेगा। ऐसे घेरिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 135 लिख दीजिएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, हो जाएगा आपका 90। 5 लिखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे 13 में से 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको घेरिएगा 90 हो जाएगा और ये 45 × 90 होता है, ठीक है। बताइए आपका HCF कितना आ गया, HCF बराबर 45। तो क्या हो गया आपका, बस आपने तो सिर्फ डिवीजन का इस्तेमाल किया लेकिन आपको हम बताए थे कि एल्गोरिथम किसको कहते हैं, इसको यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया है ना, उस फॉर्मूला का क्या नाम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला पे इसको सजाना पड़ेगा, कितना बार डिवाइड किए हैं, एक बार दो बार और एक 3 बार। आप देखिए यहाँ पे आप एक बार दो बार और 3 बार डिवाइड किए, इसको 3 स्टेप में जब सजा दीजिएगा तो उन्हीं स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये सजाना पड़ेगा तो आप इसको रफली कर लीजिएगा और देखिए हम सजा रहे हैं। पहला डिवाइड में इसको बोलते हैं ए, बीच वाले को इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और ये जो शेष बचता है इसको बोलते हैं आर, क्योंकि घटाने के बाद 90 बचा है। ए आपका कितना हो जाएगा 225 यानी कि 225, बी आपका हो जाएगा 135, क्यू आपका हो जाएगा 1 और आर कितना बचा है 90 बचा है। फिर सेकेंड डिवाइड में देखिए, इसमें देखिए आप इसमें, ठीक है, इसमें आपका ए बीच वाला 135, नहीं तो इस हिसाब से भी 135, बी आपका 90
इनटू होगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे हो जाएगा वन और प्लस में, यहाँ इसके लिए डिवाइड में शेष बचा है आपका 45, फिर एक बार और डिवाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा 45, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस में इसमें शेष कुछ नहीं बचा, यानी क्या हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया तो यही तो आपका एचसीएफ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको लैंग्वेज वाइज लिखना है तो पहला स्टेप लिख करके लिखिएगा यहाँ पे 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि 90 यहाँ पे शेष थोड़े शेष तो जीरो आना चाहिए ना, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 45 शेष आ गया है जबकि ये जीरो आना चाहिए, तो 45 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नहीं तो आप बस इसको सजा के लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा आपको एचसीएफ निकलना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही आपका है 45। तो उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम ऐसे ही ये भी डिवाइड करना है, ये भी डिवाइड करना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि बड़ा वाला रहेगा अंदर और छोटा वाला बाहर, और फिर उसके बाद से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपका जो भी बचेगा लास्ट में, अगर शेष जीरो बच जा रहा है उसमें जो भी लास्ट में शेष जीरो बचेगा, और उसके बाद से जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और इस फॉर्म में हम लोग इसको बी बोलते हैं। एक और बात आपसे छूट गया है, बेसिक में आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जब आप किसी भी अंक से भाग देते हैं 2 3 6 1, तो यहाँ एक चीज मिलाइएगा, जो ये शेष है ना आर है, इसको हम बी मानते हैं ना, ये कभी भी ये बी क्या होगा, ये बी हमेशा बड़ा होगा इससे। अब बड़ा होगा क्यों नहीं, मान लीजिए कि यहाँ वन बचा है, यहाँ पे अगर यहाँ दो ही बचता शेष, तो आप एक बार और डिवाइड कर दीजिएगा 2 1 2, तो बताइए 2 1 2 जब कर दीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर शेष क्या बचा, जीरो। लेकिन याद रखिएगा कभी भी ये जो शेष बचता है ये 2 से हमेशा, यानी कि बी से हमेशा छोटा होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, ठीक है, कि यानी जित कभी भी बी हमेशा क्या होता है, आर से छोटा होता है, और आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो 2 से छोटा होगा, यानी कि जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो से बड़ा, लेकिन बी से छोटा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बी हमेशा क्या होगा, आर से बड़ा होगा। बड़ा का मतलब जिसके तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ पूंछ रहता है वो छोटा होता है। तो देखिए इसके तरफ पूंछ है तो ये आर क्या है, छोटा है, और ये बड़ा है, आर से बड़ा बी, और आर क्या है, तो आर जीरो से भी बड़ा हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब बराबर और बड़ा दोनों होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि वैसे ही है, सेम यूज करना है यूक्लिड विभाजन, यानी कि यूक्लिड का विभाजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बड़ा वाला हमेशा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, यानी कि हो जाएगा आपका इतना, और कितना से डिवाइड करना है, 196 से। एक बार में ये कीजिएगा, 196 आपका कितना होगा, 12 में से 6 जाएगा आपका, हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा यानी 17, 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 8, और ये कट जाएगा, फिर क्या उतारेंगे यहाँ पे, 2 उतारेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। अब ये कितना बार में जाएगा, जब डिवाइड कीजिएगा तो 9 बार में हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 5 होगा, यानी 17 64 आपका होगा डिवाइड करने के बाद। माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 12 में से जब 4 जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8, ये 15 में से होते 9 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर आप 0 उतारिएगा, जब आप 0 करेंगे तो यहाँ 5 बार में ये हो जाएगा 980 कट जाएगा। अब बताइए यहाँ तो खुद रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको बताया था कि तब तक कटाते रहिए जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, यानी कि आर बराबर 0 आ जाए। तो यहाँ एक ही बार अभी डिवाइड किए हैं, यानी कि अभी घेरने की आपको ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ा, एक ही बार में कितना आ गया आपका, 0 आ गया। जब हम इसको पूरा कटाए तब, ये नहीं करना है कि यहाँ ऐसे ही घटा के यहीं पे घेरे, नहीं, जब तक पूरा नहीं कट जाता है, ठीक है, तब तक आप इसको ब्रैकेट में ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या बचे, इसी को तो हम एचसीएफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो आपका 196 क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि यूक्लिड के रूल को तो फॉलो करना है, क्योंकि बोले हैं कि आप बनाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में आप हमारे फॉर्मूला पर प्लीज इसको सजा दीजिएगा। तो चलिए सजाते हैं। यूक्लिड ने बोला है a बराबर bq प्लस r, हमेशा b a से बड़ा होगा, याद रखिएगा। और a और b क्या है, तो आपको बता दे रहे हैं a और b एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पूछिएगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, यानी इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब प्लस वाला पूर्णांक है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहां कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। अब देखिए a बराबर क्या है, तो बीच वाले नंबर को हम a कहते हैं, तो लिख दो यहाँ पे 38220। b क्या है, तो b साइड वाले नंबर को कहते हैं, यानी 196, और इनटू q
क्यू कितना आया है 195 और लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पे जीरो बचा है। तो आपका लिख दीजिएगा एच सी एफ इक्वल टू कितना 196। आपका दो नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सेम टू सेम वैसे ही है, इसको आप बना लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपसे ये क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो दो नंबर क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, अगर आप सोचिएगा तो यूं ही एक मिनटों में बन जाएगा। देखिए कैसे यहाँ कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। यहाँ आप देख सकते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे कह रहा है कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1। ये 6q+1 आखिर क्या है, यहाँ समझिएगा। अभी उस समय फॉर्मूला बताए थे a बराबर bq+r, तो यहाँ देखिए b के जगह पर क्या है 6 है, q ये तो है ही, r के जगह पर क्या है 1 है, फिर यहाँ पे 6q+2 और यहाँ पे क्या है 6q+3 है, यानी कि यहाँ r यहाँ 3 है और यहाँ पे है 5, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। कह रहा है कि यहाँ पे Q का मान अब अगर आप कुछ भी भरेंगे, ठीक है, तो बताइए कि ये इस रूप में विषम आएगा। यहाँ पे पहले ही बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसका मतलब होता है कि यहाँ इसका आंसर आना चाहिए हमेशा पूर्णांक में, किस में, वो भी विषम में आना चाहिए। विषम किसे कहते हैं, वो संख्या हम आपको बता चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा यहाँ पे बेसिक वास्तविक संख्या का, ठीक है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। विषम बताए थे कि जिसका जोड़ा नहीं लगे उसे क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। वैसे भी विषम ये खुद इसका जोड़ा नहीं लग पा रहा है, तीन गो शब्द से बना है, छोटा छोटा मतलब यहाँ पे वर्ड समझ लीजिए, ठीक है, उससे बना है, तो ये तो खुदे विषम नहीं है। तो हमको यहाँ पे जब यहाँ पे इसको मानेंगे हम b, तो जब b बराबर 6 तो r कितना हो सकता है, हमेशा b से छोटा होगा, ये हम बताए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 3 6, देखिए यहाँ 2 है, इसको कहते हैं b, इसको कहते हैं r, इसको कहते हैं q, ठीक है, तो यहाँ जो r आया है बताइए इससे छोटा है कि नहीं, हमेशा छोटा है। अगर मान लीजिए कि इसके बराबर ही आ जाए, 2 है तो 2, तो आप एक बार और कटा दीजिएगा, तो ये नीचे वाला जो बचता है उसी को तो r कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमेशा अगर जो बचेगा वो इस वाले नंबर से छोटा ही बचेगा, तभी तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो बताइए b बराबर अगर 6 है तो r का मान कहाँ तक हो सकता है, या तो कुछ भी नहीं रहेगा, कट भी जाएगा, या तो 0 रहेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ r का मान 1 से लेके क्या होगा 5 तक होगा, ठीक है। यहाँ पे हम अब क्वेश्चन को बता रहे हैं, देखिए कैसे हमको दिखाना क्या है, दिखाना है कि देखिए r का मान तो 1 2 3 4 5 तक ही वहाँ होगा, लेकिन क्या 1 3 और 5 पर ही विषम आएगा। अगर q का मान आप कुछ भी भरिए, 6q+1 है, यहाँ q का मान हम भरते हैं, मान लीजिए कुछ भी 1 भरते हैं, तो 6 में 1 से गुणा, तो 6 एकम 6 और 1 क्या आया 7, लेकिन यही अगर 6q+r का मान 2 भी तो हो सकता है, तो 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे जब 8 हो जाता है तो ये विषम नहीं ना रहा, इसका मतलब 1 पर विषम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि r का मान क्या क्या माने हैं, 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, क्योंकि b बराबर 6 है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 6q+ हम मानते हैं 3, r का मान हम 3 रखें, तो यहाँ भरेगा तो 6 में अगर q का मान आप भरे हैं 1, तो 6 एकम 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अगर 6q+4 है तो यहाँ अगर q का मान 1, तो 6 एकम 6 और 4 10। अगर 6q+5 है तो 6 एकम 6 और 5 11, ठीक है। अब यहाँ बताइए q का मान तो हमने रख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ रख सकते हैं 6q+0 भी रख सकते हैं, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, बोला है कि क्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5 पर विषम संख्या है, तो देखिए तो 6q+1 पर 7 है, 6q+3 पर 9 है और 6q+5 पर 5 है, तो यही ना तीनों विषम है, यही तो तीनों विषम है, बाकी सब पर क्या आया है, और सब जो भी शेष आया है यानी कि रिमाइंडर बचा है उस पर तो क्या आ रहा है सम संख्या, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या, 10 एक सम संख्या, तो ये तो दिख गया ना। तो इसी चीज को हम लोग को लैंग्वेज में लिख देना, बस यहाँ समझ जाइए कि देखिए हमने तो सब शेष लिया है, 0 भी लिए हैं, 1 2 3 4 5 तक लिए हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा जब क्यू का मान कुछ भी भरे अपने से सब में 1 भरे हैं, आप 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा विषम इन्हीं तीनों पर आया है। तो बात सही है, हमने तो दिखा दिया ना, लेकिन दिखाएंगे एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा तरीका से, क्योंकि वो कहता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में तनी बढ़िया स्टैंडर्ड लिखिए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। दर्शाना है, ठीक है,
दर्शाना है क्या, 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5, ठीक है। ये आपको क्या करना है, दर्शाना है। जब आपको दर्शाना है तो ए आप एक पूर्णांक, ए एक क्या है, पूर्णांक है। जब ए एक पूर्णांक है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर अभी माने हैं 6 हो जाएगा, और 6 से ही तो भाग दिया जाता है, तभी तो शेष बचेगा, इससे कम आएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका 6 से ए को विभाजित, यानी भाग देने पर, विभाजित करने पर बताइए शेष क्या बचेगा, शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये मिटा दीजिए अब, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 तक बचेगा, ठीक है। जब ये बचेगा, जबकि यहाँ आप लिख सकते हैं, जबकि 6Q+1 पर, फिर 6Q+3 पर और 6Q+5 पर क्या आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। 6Q+1, 6Q+5 और 6Q+3 और 6Q+5 पर क्या आ रहा है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो रहा है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं क्यू बराबर क्यू एक क्या है, क्यू भी एक पूर्णांक मान लो, कोई भी पूर्णांक, कोई भी Q एक पूर्णांक है। अगर आपको और अच्छा तरीका से लिखना है तो जो हम ये लिखे हैं 6Q+1, 6Q+3 इतना पर क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है, जबकि यहाँ लिख सकते हैं जबकि 6Q+0, 6Q+2 और 6Q+ यहाँ 3 हो गया 4 और 4 तक, इस पर क्या आया था, इस पर हम जो भी कर रहे थे तो यहाँ जो भी आया था वो विषम नहीं सम आया था, यानी इसका जोड़ा लग जाए, इतना पर क्या है, सम पूर्णांक हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर। ये समझ में आया होगा, मेन देखिए मेन यही है, ठीक है। 6Q+1 तो यहां 6 से भाग दीजिएगा तो शेष कैसे बचता है, लास्ट में जो बचता है वो 6 से छोटा होगा तभी तो भाग नहीं लग पाता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे जब 6 से छोटा तो 5 होता है, 4 होता है, 3, 2, 1, कभी कभी पूरा का पूरा अगर कट जाए तो 0 भी संभव है। क्या है ये, संभवतः इतना तक आएगा तो 6 से नहीं कटेगा, अगर यहाँ 6 रहता तो 6 से एक बार में आप कटा देते भाग में, ठीक है। तो यहाँ तक ये बोल रहा है कि 1 पर, 3 पर और 5 पर विषम आएगा, तो आपको यहाँ चेक करके हम बताएं तो इन्हीं तीनों पर विषम आ रहा था, जिसका शेष 1, 3, 5 है, और इस सब पर सम आ रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप तो जनरली सोच सकते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आएगा। यहाँ लिखा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 660 मेंबर इन टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बिहाइंड 32 मेंबर्स इन ए ट्रेड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कुलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कुलम इन विच दे कैन मार्च। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि आर्मी का एक ग्रुप है, ठीक है, और आर्मी के ग्रुप में जब परेड होता है तो आप लोग देखे होंगे कि आगे बैंड बाजा वाले रहते हैं, जो कि बैंड बजाते हैं, मान लीजिए कि आगे ये बैंड बाजा वाले हैं, और कितना है यहाँ पे 616 आर्मी का मेंबर है, समझ लीजिए 616 आर्मी के जवान हैं, ठीक है, ठीके? और 32 यहाँ पे 32 लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 32 आगे बैंड बाजा लेकर के खड़े हैं, इसके पीछे 616 आदमी को सजाना है, ठीक है। तो आप बताइए कि कितना वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, कूलम होगा, कितना लाइन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना लाइन लगेगा। तो आप बताइए कि मैक्सिमम का जब बात करें तो इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कि सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट कितना लाइन लग सकता है। आगे क्या है, आर्मी के बैंड बाजे वाले जो है खड़े हैं, और इसके पीछे आर्मी के जवानों को क्या किया गया है, सजाया गया है। तो बताइए कि कितना लाइन सजेगा,
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका आप क्या कीजिएगा, HCF निकालेगा, हाईएस्ट कितना, सबसे अधिकतम लाइन कितना भार सजेगा। देखिए ये कोई क्वेश्चन बंद, कोई भारी इसमें क्वेश्चन नहीं है, सबसे आसान है। आप खुद जनरली जब सोचिएगा ना कि मान लीजिए आप 50 आदमी है, ठीक है, सपोज ये हटाइए बात को, आप है मान लीजिए 10 आदमी, आप 5 लाइन में आपको सजाना है तो कितना लाइन बन सकता है, 5 को बनेगा, जब यहाँ 1 2 3 4 5 तो उसके पीछे एक एक और लगा दीजिए, तो ऐसे 5 ही ना लाइन हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि 616 आदमी है, आप 32 को आदमी के पीछे ऐसे लगाना है तो कितना कितना आदमी उसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, HCF ऑफ किसका 660 and 32, यानी 32, 616 और 32 का HCF निकालेगा, इसमें बड़ा कौन है, 616 है, ठीक है, तो इससे बड़ा हो जाएगा ये 32। अब बताइए कि जो बड़ा होता है उसको अंदर लिखते हैं, अब भाग भी आप तो पढ़ रहे हैं यूक्लिड का ना नियम, यूक्लिड का नियम है तो किसी और दूसरे विधि से भाग मत निकालिएगा, सिर्फ यूक्लिड का इस्तेमाल कीजिएगा, और यूक्लिड का नियम कुछ नहीं है, भाग विधि द्वारा HCF निकाल लीजिए, वही यूक्लिड का नियम है, सिंपल। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में हम भाग करते हैं 616, जब यहाँ भाग करेंगे 32 से तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 32 कटाइएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, ये बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। यहाँ जब इसको कटाइएगा आप तो यहाँ पहले 6 ले लीजिए, 6 लीजिएगा तो यहाँ 32 का टेबल पड़िए, 3 × 12 = 3 × 5 = 15 × 3 = 18 × 3 = 27 × 3 = 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 × 2 = 18 के 8 हाथ में 1 × 9 = 27 और 1 = 28, ठीक है। अब यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको कैसे घेरिएगा, बताए हैं हम कि जब तक कटे नहीं, जब तक जीरो नहीं आ जाए छोड़ना नहीं है, ठीक है, जब तक जीरो नहीं आ जाए, इसको जीरो बना के हम लोग रहेंगे, यहाँ 32 उतारिए, ठीक है, 8 × 4 = 32 कट गया, कितना आया आंसर आपका, 8 आया। HCF कितना आया, 8, डायरेक्ट देखे तो HCF 8 आया, लेकिन क्या हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि ये यूक्लिड का पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो यूक्लिड का पढ़ रहे हैं तो जी देखिए, जिसके जिस आदमी के घर आप जाते हैं उस घर के नियम का पालन करना पड़ता है, नहीं तो बड़ी मार मारेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम इसको सजा दे a = bq + r, ठीक है, ए कितना है, बीच वाले को हम लोग ए बोलते हैं, तो 616, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और इसका लास्ट शेष कितना बचा है, 8, तो यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे 32 × 90, अब प्लस में हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब इसमें 2 को डिवाइड हुआ है तो 32 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ 8 × 4, अब प्लस में 0, आप लिखिएगा HCF = 8, आपका यही आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कूलम कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और बहुत ही आसान, फॉर्मूला एक हीट हो, जहाँ यूक्लिड का नाम है, यूक्लिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, भाग की जांच करने के लिए वो फॉर्मूला दिया गया था उसी को इन्होंने अपना नाम ले लिया, जिसको कौन सा फॉर्मूला है, a = bq + r। यहाँ बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके, ठीक है, स्क्वायर कह रहा है कि दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। समझिएगा अब इसको ध्यान से, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका माने यूक्लिड का ये जो विभाजन है इसका उपयोग करके अगर कोई क्या कर रहा है, कोई भी इंटीजर हो, तो a तो एक इंटीजर यहां मान लेंगे, a भी एक पूर्णांक है, इसका अगर वर्ग करे, स्क्वायर बोल रहा है ना, इसका अगर वर्ग करे तो किस रूप में ये वाला रूप दिखे, ये वाला दिखे 3m और ये दिखे 3m + 1। आप बताइए कि इस रूप में ये है कि नहीं, b के जगह पर यहाँ क्या है 3 है, q के जगह पर m है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि यहाँ पे m है क्या है, इंटीजर है, तो q भी तो एक इंटीजर ही है, r के जगह पर 1 है। आप थोड़ा बताइए कि जब b बराबर 3 है तो बताए थे b बराबर अगर 3 हो तो r का मान 3 से छोटा होगा, 0 हो सकता है 1 और 2। अगर इसको सजा कर लिखना चाहो तो b के जगह पर 3 लिख देना और क्यू प्लस आर के जगह पर एक 0 हो सकता है, 3q + 1 हो सकता है, 3q + 2 हो सकता है, ये कितना बराबर, तो ये किसका फॉर्मूला है, a बराबर हो सकता है 3 हो। ई बोल रहा है कि जो पूर्णांक इसमें है इसका वर्ग कीजिए, वर्ग करें, जब एक तरफ वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ करना है, करना चाहिए। अब बता रहे हैं क्यों,
देखिए कोई भी काम अगर खुद से किया जाता है ठीक है तो वो दोनों तरफ करना पड़ता है, नहीं तो एक क्या हो जाएगा हमसे नाराज तो हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ लिखे क्या दर्शाना है, हमको क्या दिखाना है, शो करना है, दर्शाना है, दर्शाना है 3m और 3m प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि अपने से ये बनाया गया, जबरदस्ती इसको दर्शाया जाता है। देखिए यह कैसे जबरदस्ती यहाँ कैसे काम होगा, 3m और 3m प्लस 1 यहाँ हम लिख दिए। अब बताइए कि ये किस फॉर्मूला पर सेट हुआ, a बराबर bq प्लस r पर सेट किया जाएगा। a एक क्या है, a एक पूर्णांक है और यहाँ r बराबर क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो जीरो हो सकता है, एक हो सकता है और दो हो सकता है, क्योंकि यहाँ b बराबर क्या है, जब b बराबर 3 है तो हमेशा b से छोटा होगा, तो b से छोटा होता है 0, 1, 2, पूर्णांक का बात किया जा रहा है ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे अगर है। अब देखिए यहाँ पे संभव क्या हो जाएगा घटना, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर लिख सकते हैं 3, b के जगह 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब हम एक को लेके सॉल्व करें, क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक ठो इंटीजर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, किसी इंटीजर को आप स्क्वायर कीजिए तो ये भी तो एक पूरा का पूरा इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो हम पहले एक को उठाते हैं, a बराबर 3q प्लस 3q प्लस 0, तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ हम क्या कर दिए, स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या वो 3m के रूप में दिखेगा, तो वो दिखेगा, देखिए कैसे ए स्क्वायर, जब ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर दो बार लिखना, यहाँ आप लिख सकते हैं 3q को 3q इंटू 3q, जितना बार होता है पावर उतना बार, 3 का कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा q स्क्वायर। हमको क्या लाना है, देखिए सबसे पहले जो लाना होता है उसी की तरफ हम लोगों को ध्यान रखना है ताकि वो आ जाए, जिस चीज़ को पाना होता है उसमें जान लगा दिया जाता है, हमको पाना है, लाना है 3m, पहले 3 लाए, ये तो बोला है कि स्क्वायर करने के बाद से 3m आना चाहिए, तो हमने स्क्वायर कर दिया, अब 3m लाना है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो बताइए 9 कितना बार आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 बार में ये बच गया क्या 3q स्क्वायर। अब हमको क्या लाना है, m, 3 हमको मिल गया, अब यहाँ पे m लाना है, तो यहाँ पे m लाना है तो मानिए जबरदस्ती इसको m, यानी यहाँ लिखिएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर बराबर क्या मानिएगा m, यहाँ 3q की जगह पर आप m भर दीजिएगा, a स्क्वायर बराबर 3 या इसके जगह पर क्या भरा जाएगा m, आपका पहला आ गया ठीक है 3m। अब आपको लाना है 3m प्लस 1, अब दूसरा लीजिए, एक बार ये ले लिए, अब एक बार ये लीजिए a बराबर 3q प्लस 1, क्या बोला है स्क्वायर करने को, कीजिए स्क्वायर, जब यहाँ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, अब यहाँ a प्लस b के द होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी कि a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, अब प्लस 2ab होता है, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो इसका भी ट्रिक होता है याद करने का ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 3 × 2 = 6 यहाँ इंटू होगा 6q। अब बताइए हमको क्या चाहिए 3m प्लस 1, एक इसमें 1 है जो हमको 1 मिल गया, इसको साइड में छाट दीजिए, हम लोग इसलिए साइड में छाटते हैं, इधर रहेगा तो इधर गबड़ा जाएगा, फंस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को साइड में कर देना है उसको ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ 9q स्क्वायर ये कर दो और 6q a को छाट दो, ये अलग रहेगा, इसको में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे ठीक है। a स्क्वायर बराबर इन दोनों में से हमको चाहिए 3 दोनों में से निकालिए, जब 3 निकालिएगा तो 9 आएगा 3 बार में, आइए उतार दीजिए, और 6 आएगा 2 बार में, अब प्लस में 1 हमने छाट दिया, हमको 3 मिल ही गया, 1 मिल ही गया ठीक है। अब हमको क्या चाहिए m, तो इतना के जगह पर अब m खाली लिख देते हैं, ये जितना भी है तो ये आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइड में भी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो यहाँ लिखिएगा a स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह पर क्या भरना है m प्लस में 1। बताइए किसी संख्या का वर्ग करने पर आप देख लीजिएगा लिखा भी है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ गया कि नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका लैंग्वेज है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो ये 5 नंबर क्वेश्चन है ये एकदम सेम टू सेम 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन बस उसमें कह रहा था स्क्वायर करने के लिए, यानी कि जो भी पूर्णांक हुआ करता था जैसे a बराबर
ए बराबर था बी क्यू प्लस आर, तो वो बोल रहा था उसमें वर्ग करने के लिए यानी स्क्वायर करने के लिए, इसमें बोल रहा है यहाँ पे क्या करने के लिए, क्यूब करने के लिए, क्या करने के लिए, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन करने के लिए, हिंदी में आप देखिएगा लिखा है घन करने के लिए, घन करने पर तो इसका मतलब हो जाएगा पावर तीन करने पर। अब बताइए उसमें लग रहा था a प्लस बी के द होल स्क्वायर, आ इसमें लगेगा क्यूब तो a प्लस बी के द होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ समझिएगा, कभी भी a प्लस बी के द होल क्यूब कई तरीके से आप लिख सकते हैं, पहले लिखिएगा ए क्यू, फिर हो जाएगा बी क्यू, फिर थ्री ए स्क्वायर बी, और फिर थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला ये भी एक ट्रिक से आप समझ सकते हैं, लेकिन आप अभी क्वेश्चन देखिए, इस फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले बोला है कि यूक्लिड का तो यूज करना, जैसे ही बात आए यूक्लिड चचा का तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि एक चीज फॉर्मूला तो लगेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, और e वाला जो आपको लिखा है 9m प्लस 8, तो बताए थे कि यही आपका 9 क्या होता है, b का वैल्यू होता है, तो जब b बराबर 9 तो b तो मान लीजिए 9 अगर हो जा रहा है तो r इससे छोटा ही होगा, r क्या क्या हो सकता है इससे छोटा, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 0 यहाँ तक r हो सकता है, यानी कि आपका शेष हो सकता है। तो हम लिखें अगर b बराबर 9 तो r बराबर 8 तक हो सकता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर यूक्लिड का एक बहुत ही बढ़िया, जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उसको खाली यहाँ ए बी लगा करके ये अपना नाम दे दिए हैं यूक्लिड महाराज, उस नियम के अनुसार इसका उपयोग किया गया है। तो देखिए ये क्या बोला है, क्यूब करने पर, तो हम इसी फॉर्मूला में ए बराबर ए लिख दिए यहाँ पे, अब बी के जगह पर 9, और यहाँ आर बराबर अब 0 भरेंगे, फिर 1 भरेंगे, फिर 2। देखिएगा ये 0 भरने पर कह रहा है कि 9m आ सकता है, 1 भरने पर 9m प्लस 1 आ सकता है, 2 भरने पर 9m प्लस 8 के रूप में सिर्फ दिखा देना है, जैसे कि 4 में दिखाया गया था 4 नंबर क्वेश्चन में, वैसे ही हम यहाँ पहले 0 भरे हैं तो ये एक ही हो गया है, और ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा है, तो 9q का पावर 3 अगर है, इसको जब आप तोड़िएगा 9 को 3 बार लिखिएगा ऐसे 9q × 9q × 9q, ठीक है, क्योंकि 3 है, 0 का तो वैल्यू कुछ रहा नहीं, हटा भी सकते हैं इसको, 9 में 9 से 9 से 3 गुणा करिए तो 729 होगा, और 3 गो क्यू है तो क्यू का पावर 3, ठीक है, क्योंकि क्यू का तो टेबल होता नहीं है, पहाड़ा होता नहीं है। अब हमको क्या लाना है, 9m लाना है, तो ए का क्यू लिख दिया, इसमें से हम जब 9m लाना है तो 9 कॉमन निकालना है, तो 729 में से 9 जब बाहर होगा तो यहाँ बचेगा 81, कैसे, फिर 9 में जब 81 से गुणा कीजिएगा तो 729 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 81 बचा, उसके बाद से ये लिख दिए हम क्यू का पावर 3। अब बताइए 9 मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, एम चाहिए, तो इतना के जगह पर ही तो एम चाहिए, तो इतना के जगह पर हमने क्या लिख दिया, एम, तो लास्ट में बच गया 9m, ये पहला वाला हो गया 9m। अब 9m प्लस 1 लाना है, एक बार हम लिए हैं 0, इसका कहानी खत्म, अब लेंगे हम 1, तो यहां पे लिए हैं 9m और प्लस में 1, इसका क्या किए हैं, क्यूब। कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब करने के बाद शो कीजिए, यानी दर्शाइए कि 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 3, तो हमने तो क्यूब करना ही है, तो हम तो क्यूब करेंगे ही, यहाँ पे हम क्यूब कर दिए। अब a प्लस बी के द होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और ऐसे तोड़ने के बाद से ये कंडीशन आया, हमको एक 1 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 मिला तो यहाँ रखोगे तो फंस जाओगे, पहले ही एकदम जितना जल्दी हो सके इसको साइड हम लोग किए, नहीं तो इधर आके लफड़ा में फंस जाएगा, ABCD वाले लफड़ा में फंसो तो बेचारे क्या हो जाएगा, जान निकल जाएगा, इसको छाट दिए, हमको अब मिल गया 1 सिर्फ। अब हमको चाहिए 9 और m, अब हमको 9, पहले हम लोग कोशिश करें ना कि नंबर को निकालें, एगो नंबर मिल गया, अब 9 नंबर को निकालेंगे, ठीक है, शरीफ नंबर है ये, ठीक है। अब 9 को निकालना है तो इस सब में से 9 हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ 9 कॉमन लिए हैं तो इसके जगह पर बच गया है 81, 27 और इतना। अब बताइए 9 मिल ही गया, 1 मिल ही गया, अब m चाहिए तो इतना के जगह पर हम क्या लिख दिए, m, जहाँ ये देखिएगा m लिख दीजिएगा, यहाँ पे था तो 9 है, इसके जगह पर यहाँ m लिख दिए, प्लस में 1, दूसरा कंडीशन मिल गया। अब तीसरा कंडीशन, एक बार 1 ले लिए, 0 ले लिए, एक बार 1, अब लेंगे 2, तो यहाँ देखिए लिखे हैं यहाँ पे 9q प्लस में 2, यहाँ 9 है, ये क्या है, b है, तो यहाँ 2 हो सकता है, त्रिज्या 2 हो सकता है, 8 तक संभव है। अब देखिए a प्लस बी के द होल क्यू यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 हुआ है तो 8 हो गया, हमको क्या मिल गया, 8, अब क्या चाहिए, 9, जैसे 8 मिल गया बिना भेजिजक एकदम इधर भेजेंगे, अलग कर देंगे, और इस सब को पास में, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लिए, और जैसे ही 9 कॉमन लिए तो बच गया ये, हमको 9 भी मिल गया और यहाँ 8 भी मिल गया,
जब 9 और 8 मिल गया तो m लाना है, तो इसके जगह पर क्या भर दिए m, तो 9m प्लस 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ थोड़ा सा देखो, इसको बनाने के लिए अलग अलग तरीके से 3 मान के भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको पहले जो हम मैथड बताएं उसी मैथड से बताएं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग अब अगले चैप्टर में यानी कि अगले एक्सरसाइज में 1.2 को देखेंगे, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग। आप कभी भी बोर फील नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है, जिसको डिवाइड आता है, भाग आता है, वो ही क्वेश्चन को बना सकता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।